अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज है ईद का थर्ड डे। हैप्पी बर्थडे मूसा, ईद मुबारक। चलो मूसा केक कट करें, दोनों पकड़ के, दोनों दोनों पकड़ के। चल बस बस बस। अच्छा जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको बताती जाऊं कि आज है ईद का तीसरा दिन। मैं स्टार्टिंग में वैसे मैं बता चुकी हूं, तो ये विर्द की मैंने पेन्स, इनका नेकलेस और इनकी सारी वेयरिंग आइटम्स निकाल के मैंने रख दी हैं। इनके कपड़े भी मैंने निकाल के रख दिए, इनकी चीज़ें वगैरह। मैंने कहा चले मैं जल्दी इनकी चीज़ें पहले निकाल के रख दूँ, फिर इनको मैं रेडी करूँगी। मूसा को भी मैंने रेडी करना है, विर्द को भी रेडी करना है। और विर्द मूसा को मैंने रेडी कर लिया है और मैं उसको बुला रही हूँ। किधर है मूसा? बस ये जाके छुप गया। मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा आ जाए ज़रा मुझे फेस तो दिखा दें। ये मूसा रेडी हो चुका है। सर गुस्सा चेक करें ज़रा इस लड़के का। ये तो रेडी हो चुका है और विर्द भी, मैंने विर्द को भी रेडी कर दिया है। और बताएं विर्द और मूसा, ईद के थर्ड डे कैसे लगे? मैंने विर्द को अभी जो है पिंस पहनाई है, क्योंकि अभी मेरे अभी ही इसको मैंने नहलाया था, तो इस वजह से मैंने कहा अभी बाल इसके खुले ही रहे। हेलो मूसा। हेलो गाइस। बस कैमरा ऑन होता जाए तो मूसा की तो बिल्कुल बोलती ही बंद हो जाती है। वेट फिर भी कुछ बोल लेती है लेकिन मूसा नहीं बोलता, लेकिन इनको कहना पड़ता है कि यूं कर लें और यूं कर। दिखाओ ये कहाँ से आई हैं? यहाँ में मूना ने दिए हैं। ये देखो किसने दिए हैं? मूना ने। इन दोनों को तो मैंने रेडी कर दिया। और मेरा तितर तितर ईद मुबारक तितर। और ये देखिए मेरा बेटा मेरे लिए चॉकलेट्स लेकर आया। ये तो अच्छा बच्चा कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं खाता। अच्छा अब हम, मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया और मुझे अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ मुना को के छोड़ने उनके घर और तुम भी हमारे साथ चलो। तो वापसी पे हमारा प्लान है कि हम लोग आइसक्रीम खाते हुए आएंगे, मैं और अब्दुल्ला। तो मैं अब इन दोनों को अपने साथ लेके चल पड़ी हूँ। हम लोग पहले जाएंगे मुना को छोड़ने और फिर उसके बाद जाएंगे आइसक्रीम खाने। तो आज का भी इनका डे जो है वो आउटिंग वाला, फुल ऑफ आउटिंग हो जाएगा। वरना मैंने इनको कहा था कि ईद के थर्ड डे मैं आपको कहीं भी नहीं लेके जाऊंगी, इसीलिए ये दोनों बड़े खुश हैं कि जो मम्मा ने कहा था वो तो नहीं हुआ। अब हम मुना के घर गए, उनके वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ मूसा खेल रहा है। और अब हम वहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा है कि चलें अब हम आइसक्रीम खाते हैं। फिर मेरा प्लान चेंज हो गया कि मैं पहले गुलगश से, आपको पता है, टेस्टी जायका वालों, स्टूडेंट जायका वालों की आइसक्रीम खाती होती हूँ। लेकिन फिर आज मेरा प्लान बना है कि क्यों ना मैं जो है वो चिल बार की आइसक्रीम ट्राई करूँ। चिल बार मुझे बहुत पसंद है, वहाँ की भी कॉर्न आइसक्रीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मुल्तान में बहुत सारी ब्रांचेज हैं इनकी, खुल चुकी हैं। लेकिन मैंने अब्दुल्ला से कहा है कि हम ज़्यादा दूर वाली साइड पर नहीं जाएँगे, हम वहाँ जाएँगे जो हमारे घर के पास है। तो हम रस्ते में गाने भी सुन रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं और आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ईद का थर्ड डे बोरिंग होता है लेकिन हमारा फिर भी अच्छा गुजर गया था, तो मैंने कहा फिर भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि आज का दिन कैसा गुजरा है। क्यों और आप ये देखें हमारा मुल्तान। और आप लोगों ने हमें बताना है कि मुल्तान से हमें कौन कौन देख रहा है। और मुल्तानियों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बताती जाऊँ कि मुझे जो है वैसे आउटिंग पार्क्स वगैरह जाना है इतना पसंद नहीं है जितना मुझे कि ये पसंद है कि लॉन्ग ड्राइव हो और गाने अच्छे लगे हुए हों। और इतना अच्छा लगता है ना, मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चों को संभालो, बच्चों को पकड़ो, इधर पकड़ो, इधर आओ, ये इधर ना चला जाए, तो इससे अच्छा नहीं है कि गाड़ी में आराम से पैक बच्चे होते हैं और आप लॉन्ग ड्राइव पर जाओ और गाने सुनो, इतना मज़ा आता है ना। तो मुझे इसी तरह का मतलब पसंद है। वीडियो को लाइक लाइक करें, ठीक है। मैं अब वो वाला गाना सर्च कर रही हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त है। आप लोग भी ये गाना सुने, मुझे बड़ा पसंद आया और ये न्यू अली ज़फ़र का सॉन्ग आया है और ये बहुत अच्छा है। आपको पता है अब्दुल्ला मेरी बहुत बेइज्जती करता है।
और ये मुझे कह रहा है कि सर्च करना भी वीडियो में दिखाना होता है, भी व्लॉगिंग फिर होती ही क्या है? व्लॉगिंग तो यही होती है ना कि आप जो कर रहे हैं आप लोगों को बताएं कि यूँ है ये वो, व्लॉगिंग होती ही है, बस इनको क्या पता कि व्लॉगिंग क्या होती है, बस इनको बोलना आता है। तो ये लग चुका है न्यू सॉन्ग और ये बड़ा मज़े का सॉन्ग है, आप लोग भी सुने, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें जो सबसे अच्छी लाइन है ना वो मुल्तान के बारे में है। और ये गाना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मूसा का भी फेवरेट सॉन्ग है, और जब भी ये गाना लगता है ना मूसा फौरन इसके साथ साथ सिंगिंग करना शुरू कर देता है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि उसको बहुत कम टाइम में ही इसके लिरिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं। और मैंने मूसा के लिए बुक भी ली है। अच्छा, आप काइंडली वीडियोस का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करेंगे। हमारा छोटा सा एक थर्ड डे था ईद का, जो अब मैंने इनको लेके जा रही हूँ वहाँ पे, मैंने इनको आइसक्रीम लेके देनी है, इनको आइसक्रीम खिलाऊंगी और फिर उसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। और मैं आज मौसम जो है वो बहुत अच्छा है मुल्तान का, और लग रहा है कि आज बारिश हो जाएगी। नहीं, असल में पता क्या हो रहा है कि आंधी वगैरह तो फील हो नहीं रही, लेकिन आसमान के ऊपर जैसे लाइट होती है ना बिजली की, वो होती है, लेकिन ऐसा फील होता है कि जैसे ना ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद ना ऐसे आसमान पर लाइट सी चमकती है काफ़ी ज़ोर से। और मैं ये दोनों आइसक्रीम खा रही हूँ और मैं उनके साथ खा रही हूँ और अब घर चल काइंडली वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।